एज पर गूगल मैप्स ये जो रिवर है उसके उस पर कर्नाटका है। अरे गोट भी है, गोट जो है वो बहुत ही टू गाड़ी सामने गोट है जो उस पार कर्नाटका। अभी हम हैं खिद्रापुर के कोपेश्वर मंदिर में। ये 1400 साल पुराना मंदिर है जो शिलहारा यादव चालुक्य डायनेस्टीज ने मिलकर बनाया था, ऐसे यहाँ के जो गाइड है उन्होंने बताया। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी जो मैंने ऑनलाइन पढ़ी थी वो ऐसे है कि कोपेश्वर का कन्नड़ा में मीनिंग है एंग्री शिवा, गुस्से वाले शिव। ये टेम्पल शिव जी को समर्पित है। इसके पीछे की एक कहानी ये कहती है ऑनलाइन जो मैंने पढ़ी थी कि शिव जी की जो पहली वाइफ थी वो थी सती जी। इनके पिता दक्ष जी ने अपने यहाँ एक यज्ञ ऑर्गेनाइज किया था और उस यज्ञ में उन्होंने शिव जी को नहीं बुलाया था। तो सती जी तो यज्ञ में पहुँच गई थी बट ये इंसल्ट उनसे सहन नहीं हुआ कि शिव जी को उन्होंने बुलाया नहीं, इसलिए यज्ञ में उन्होंने अपने आप को जला दिया। इसके बारे में सुनकर शिव जी को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने तांडव नृत्य किया और दक्ष जी का सर काट दिया और उस कटे हुए शरीर पर विष्णु जी ने बकरी का सर लगाया था। विष्णु जी शिव जी को यहीं पर लेके आए थे इसी जगह पर शांत करने के लिए। शिव जी जो गुस्से में थे उसका मीनिंग कन्नड़ा में है कोपेश्वर। ये है कोपेश्वर मंदिर। और एक रोचक कहानी इसके बारे में ये है कि ज्यादातर शिव मंदिरों में पार्वती जी की मूर्ति भी होती है, पार्वती जी को भी पूजा जाता है और नंदी तो होती ही होती है, नंदी बुल। लेकिन इस मंदिर में ना पार्वती जी है ना नंदी है, बल्कि यहाँ पर दो शिवलिंग है। एक शिवलिंग समर्पित है शिव जी को और दूसरा शिवलिंग समर्पित है विष्णु जी को। तो ये शायद पूरे वर्ल्ड में ऐसा एक ही मंदिर है जहाँ पर नंदी या पार्वती जी नहीं है, दो शिवलिंग है और दूसरा शिवलिंग विष्णु जी को समर्पित है। इसमें नंदी इसलिए नहीं है बिकॉज उस यज्ञ के दिन पर सती जी नंदी को लेकर ही यज्ञ पर गई थी, इसलिए यहाँ पर नंदी को नहीं रखा गया है। सो ये है इसके पीछे की कहानी। और यहाँ के गाइड से बात करके ये पता चला कि यहाँ पर जो आर्किटेक्चर है उसमें रामायण महाभारत के साथ साथ और बहुत सारे भगवानों की कहानियाँ हैं, उनके लाइफ के कुछ इंस्टेंसेस को दर्शाया हुआ है। मोस्ट ऑफ द टेम्पल इज इन द सेम फॉर्म एज इट वॉज मेनी मेनी ईयर्स अगो। मुख्य चार हिस्सों में बटा हुआ है। एक जैसे ही आप एंटर करते हो मंदिर में वैसे ही वो स्वर्ग मंडप है जहाँ पर एक होल है ऊपर, तो वो दैट इज लाइक कि आप सीधा स्वर्ग में देख रहे हो, इसलिए वो स्वर्ग मंडप। उसके बाद है सभा मंडप जहाँ पर भजन कीर्तन हुआ करते थे। फिर है अंतराल और फिर है गभा, मतलब मेन गर्भगृह बोलते हैं जिसे, जहाँ पर मेन शिवलिंग है। हम कोल्हापुर ट्रिप के दौरान काफ़ी जगह प्लान कर रहे थे लेकिन कोपेश्वर एक ऐसी जगह है जिसे मैं पर्सनली मिस नहीं करना चाहता था बिकॉज ऑफ इट्स आर्किटेक्चर एंड बिकॉज ऑफ द स्टोरी बिहाइंड दिस टेम्पल। तो दोस्तों ये है खिद्रापुर का कोपेश्वर महादेव मंदिर। ये डेफिनेटली मस्ट विजिट है। वैसे हम अभी कर्नाटका महाराष्ट्र के बॉर्डर पर हैं और यहाँ पे काफ़ी कर्नाटका से भी लोग आए हुए हैं। ये टेम्पल मस्ट विजिट है, ये बहुत ब्यूटीफुल है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसके पीछे की जो जानकारी है वो भी पसंद आई होगी। आपको मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।